हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के लिए 53,14,33,00,000 फाइनेंस SBI द्वारा किया गया है, जिसका निबंधन और स्टाम्प शुल्क 53,19,33,000 राजस्व उप निबंधन कार्यालय में जमा कराकर मॉर्टगेज रजिस्ट्री किया गया है, जो गोरखपुर के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजस्व है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप निबंधन सदर प्रथम योगेंद्र प्रताप सिंह, HURL के MD सुबोध दीक्षित व SBI दिल्ली के हेड मैनेजर मनन ओबरॉय ने कहा। तो काम एक रेवेन्यू इन्वॉल्व था इस रजिस्ट्री के होने से सरकार को जो है 53,14,00,000 का राजस्व प्राप्ति हुई है रजिस्ट्रेशन फीस के द्वारा। ऐसा कभी हुआ नहीं गोरखपुर में कि इतना लंबा राजस्व प्राप्ति हो सिर्फ एक डीट के द्वारा। इसमें SBI फाइनेंस कर रही है HURL कंपनी जो फर्टिलाइजर का यहाँ पर प्लांट लगा उसके लिए, ठीक है। तो आज ये रजिस्ट्री यहाँ पर संपन्न हो रही है और इसमें जो है ये बड़ा राजस्व इन्वॉल्व था, काफ़ी इसमें काम करने के बाद ये संभव हो सका है। इसमें NIC के लोग भी लगे थे, मुख्यालय के लोग भी लगे थे, फिर ये संभव हो गया। आज ये राजस्व जो है हमारे सरकार के खाते में आ गया। ये हम लोग की जो ज़मीन फर्टिलाइजर से सरकार ने हम लोग को दी थी प्लांट बनाने के लिए, उस ज़मीन का हम लोगों ने जो विभिन्न बैंकों से लोन लिया है, उस लोन के अगेंस्ट में हम लोग ने ये ज़मीन जो है बैंकों को दी है, उसी की रजिस्ट्री है ये मॉर्टगेज रजिस्ट्री है। और इससे प्रदेश सरकार को आज 53 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और इसको प्लांट को हमको आगे काम करने में और बैंक से लोन मिलेगा, सहायता मिलेगी और हम लोग प्लांट का काम आगे जल्द से जल्द बढ़ा सकेंगे और समय से पूरा कर सकेंगे। कारखाने को लगाने के लिए लोन है, टर्म लोन दिया है बैंक ने इनको और काफ़ी 3-4 बैंक से मिलकर उनको 5,000 करोड़ के आसपास का लोन दिया है इस प्लांट को लगाने के लिए। बैंक को भी कुछ इस्तेमाल होता है? हाँ, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे ये लोन वापस करते रहेंगे तो किस्त भरेंगे तो किस्त में ऑब्वियसली बैंक को भी फायदा ही होगा उससे। कितने का लोन है? ठीक है, कितने का लोन है? 5,300 करोड़ के आसपास का।